मेरे चैनल होम स्वीट होम पे आपका स्वागत है। मैं हूँ पीयूष रंजन और अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सिल्क थ्रेड यानी रेशम के धागे से काम करेंगे। सिल्क थ्रेड से बनी ज्वेलरी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है अभी, तो इस ट्रेंड को देखते हुए आज हम सिल्क थ्रेड से कपल वाली चूड़ियाँ बनाएंगे, यानी वो चूड़ियाँ जिसमें पार्टनर्स के नाम लिखे होते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी कांच की चूड़ियाँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ली हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें चूड़ियाँ एक साइज़ बड़ी लेनी होगी। हम जिसके लिए भी बना रहे हों उनके नॉर्मल साइज़ से चूड़ियाँ एक साइज़ बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने 24 पीसेज यानी दो दर्जन चूड़ियाँ ली हुई है। इसके बाद हमें चाहिए होगा सिल्क थ्रेड। यहाँ पर मैंने एक रेडियम कलर की सिल्क थ्रेड ली है और दूसरा थोड़ा लाइट कलर है, ये गोल्डन पीच टाइप का कलर है। और इससे चिपकाने के लिए हमें चाहिए होगा नॉन स्टिच ग्लू, और इसके बाद हमें चाहिए होगा फेविकॉल और सीजर्स। तो ये सब हो गई हमारी बेसिक सामग्री इसे बनाने के लिए। और इसे सजाने के लिए आप इसे मनपसंद तरीके से सजा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सजाने के लिए स्टोन चेन लिया हुआ है, बॉल चेन्स है। सजाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कुंदन स्टोन। मैंने यहाँ पे सिर्फ गोल्डन यूज़ किया है। आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चूड़ियों को आपस में चिपका कर इनसे बैंगल तैयार करेंगे। तो इस तरह से एक चूड़ी लेकर उसके एज पे एक नॉन स्टिच ग्लू लगाएंगे। इस तरह से नॉन स्टिच ग्लू को हमें अच्छे से लगाना होगा ताकि दूसरी चूड़ी आसानी से चिपक जाए। इस तरह से दूसरी चूड़ी चिपकाएंगे और इसे अच्छी तरह से चिपका लेने के बाद इसके ऊपर हमें एक और चूड़ी लगाना है। यहाँ पे हम 3:6:3 इस टाइप के रेशियो में बैंगल्स बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने तीन चूड़ियों का एक पेयर बना लिया है जिससे एक बाला बनकर तैयार है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने दो दो का सेट बनाकर रखा है। ये आप देख सकते हैं दो दो चूड़ियों का सेट है ये। तो दो दो चूड़ियों के तीन सेट को हम एक साथ चिपकाएंगे तो छह चूड़ियों वाला सेट बनकर तैयार होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने दो चूड़ियों का एक पेयर लिया है, इसके एजेस पे नॉन स्टिच ग्लू लगाकर तो इसके ऊपर दो चूड़ियों वाला एक सेट लगाऊंगा। और ये दो चूड़ियों वाला थर्ड पेयर है। तो इस तरह से हमने दो दो चूड़ियों को तीन पैर में करके चिपकाया और यहाँ पे छह चूड़ियों का एक बाला बनकर तैयार है। इन सबको अब हम सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो हम इनके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे और तब तक के लिए हम सिल्क वाले धागे को यानी रेशम के धागे को लपेट कर काटेंगे। तो इस तरह से उसके एक एंड को हम इस तरह से पकड़ लेंगे एक साइड पर। यहाँ पर हमें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा। एक हाथ से हमें धागे के एक छोर को पकड़ना होगा और दूसरे हाथ से इसे इस तरह से लपेटते जाना है। आप इसे 20-30 टाइम्स लपेट सकते हैं, मैक्सिमम 30 टाइम्स, और इसे इस तरह से लपेटते हुए ख़त्म कर देना है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करना है। इसके बाद सीजर से इसे काट देना है और इसे इस तरह से डब्बे के ढक्कन से हल्का सा उठाकर हमें इसे काट लेना है। और काट लेने के बाद जल्दी से हम वहाँ पर नॉन स्टिच ग्लू लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे और इसे हल्का सा चपटा कर देंगे उंगलियों से ताकि ये एक जगह इकट्ठे ना हो जाए सारे धागे। इस तरह से हमने धागा का एक गुच्छा बनाकर तैयार किया। इसी तरह से और गुच्छे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं और जब तक वो धागे का गुच्छा सूख रहा है तब तक हम चूड़ियों के ऊपर फेविकॉल लगा देते हैं। इससे ये और भी स्ट्रांग जाता है। रफली बस फेविकॉल को लगाना है और इसके बाद इसे उंगलियों से हमें मिला लेना है। चूड़ी के अंदर वाले हिस्से में भी फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगाने का यही मकसद है कि हमारा बैंगल जो बन रहा है वो और भी स्ट्रांग हो जाए। हमने इसे नॉन स्टिच ग्लू से चिपकाया है इसके एजेस को, और इसके बाद इसके ऊपर फेविकॉल अंदर और बाहर दोनों तरफ लगा देने से ये बैंगल और भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह से हम सभी बैंगल्स को सूखने के लिए रख देंगे फेविकॉल से लपेट के। इसके बाद हम इसे सिल्क थ्रेड से लपेटेंगे। अंदर की तरफ हमने सिल्क थ्रेड के गुच्छे को नॉन स्टिच ग्लू से चूड़ी से चिपका दिया है, 5 मिनट रहने दिया, और उसके बाद अब हम इसे इस तरह से लपेटेंगे।
एक तरफ एक हाथ से हम चूड़ी को पकड़े रहेंगे और इस तरह से धागे को पकड़ते जाएंगे और दूसरी तरफ दूसरी हाथ से हम इस तरह से इसे अंदर और बाहर करके लपेटते जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक धागे के गुच्छे से एक चूड़ी के इतने हिस्से को कवर किया है और इसी तरह से हम गुच्छे ज्वाइन कर करके पूरे चूड़ी को कवर करेंगे। यहाँ बीच में हम फिर से यहाँ से धागा फिर से लपेटना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से क्राफ्टी ग्लू लगाया मैंने, नॉन स्टिच ग्लू, और यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए रहने दिया इस तरह से अच्छे से ग्लू लगाकर, और 5 मिनट के बाद फिर से इसे लपेटना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से मैंने पतले वाले बाले को पीच कलर के सिल्क थ्रेड से कवर किया है और उसके ऊपर इस तरह से सेंटर पे मैंने नॉन स्टिच ग्लू लगाया है। और इसके बाद इसके ऊपर मैं स्टोन चेन बैठा रहा हूँ। स्टोन चेन को अच्छी तरह से बैठा लेंगे सेंटर पे, इसे हल्का हल्का खींच कर बैठाएंगे और ये देखिए कितने फिनिशिंग तरीके से ये स्टोन चेन बैठ गया और ये बाला इस तरह से भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब हम इस बाले को और भी सुंदर बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 5 स्ट्रैंड का यानी 5 रेशम के धागे का एक गुच्छा बनाया है। उसी तरह से गुच्छा बनाना है जिस तरह से पहले मैंने बनाया था। इसे भी हम इस तरह से नॉन स्टिच ग्लू से चिपका कर रख देंगे। चलिए आपको 5 धागों वाला गुच्छा बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक थर्मोकोल का पीस लिया है। एक्चुअली मैंने शुरू में आपको ये प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन दिखाया था जो कि बहुत छोटा पड़ रहा है, मुझे बार बार धागा बदलना पड़ रहा है, थोड़े ही देर के बाद मतलब वो गुच्छा ख़त्म हो जा रहा है। और ये जो थर्मोकोल का पीस है ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने इसे ही यूज़ किया है। तो इसमें भी हम इस तरह से एक छोर में धागे को पकड़ लेंगे और उसके बाद उसे लपेटते जाएंगे कुछ इस तरह से। तो इसे हमें 5 बार लपेटना है। 5 बार लपेट लेने के बाद हम अंतिम छोर वहीं पे पहुंचेंगे जहां हमने शुरू किया था और वहां पे उसे उसी तरह से कैंची से काट कर थर्मोकोल के टुकड़े से हल्का सा उठाएंगे धागे को और इसे कट करके इस तरह से वहां पे हम नॉन स्टिच ग्लू लगाकर उसे एक जगह पे जॉइन कर लेंगे। इसके बाद इस गुच्छे को हम पतली वाली चूड़ी से लगाएंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा छोर हटा सकते हैं अगर ये ज़्यादा ऊपर में रह गया है तो। ये जो 3 चूड़ियों वाली जो हमने बाला बनाया था, ये पतला वाला, ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया है, उसी तरह से इसे कंटिन्यू करेंगे। इसे चिपका कर यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ सूखने के लिए 5 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरे वाले यानी 6 चूड़ियों वाले बाले को लपेट लेते हैं। पूरी तरह से लपेट लेने के बाद इसे एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर हम हटा लेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह से नॉन स्टिच ग्लू से हम चिपका देंगे। स्टार्टिंग में और एंड पॉइंट पे नॉन स्टिच ग्लू बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है। इसे इस तरह से पहले तो चिपका लेना है हमें, अच्छे से चूड़ी में मिला लेना है और इसके बाद ऊपर से भी हल्का सा ग्लू लगाकर इसे इस तरह से सूखने के लिए रहने देंगे। और तब तक के लिए मैं आपको ये चूड़ी दिखाता हूँ। ये साइड वाला बाला है जो कि चौड़े वाले बाले के साइड में लगेगा। ये 3 चूड़ियों वाला है जिसके ऊपर मैंने स्टोन चेन चढ़ाया था और इसके ऊपर आप देख सकते हैं 5 स्ट्रैंड वाला मैंने रेडियम धागा लगाया है। इसके ऊपर भी हम लगाएंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने एक चिपकाया है और इसके बाद चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा काफ़ी सुंदर लग रहा था ये ब्लू वाला धागा लग जाने के बाद। इसे हमें इस तरह से ट्विस्ट करके लपेटना है। इस तरह से नीचे से निकालने के बाद दूसरे हाथ की उंगली से पकड़ लेंगे, इसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, फिर नीचे करेंगे इस तरह से, कंप्लीट कर लेना है हमें। अब हम इस तरफ अपने बाले पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉन स्टिच ग्लू लगाया है बाले के ऊपर, उसके बाद हल्का सा पेपर पिन पे मैंने ग्लू ले लिया है और इस तरह से स्टोन बैठा रहा हूँ। पहले नॉन स्टिच ग्लू लगाना है, इसके ऊपर हमें कुंदन बैठाना है। तो इसी तरह से एक एक लेटर करके हमें पूरे नाम को कुंदन से लिखना होगा। और ये देखिए एक लेटर हमने लिख कर तैयार कर लिया है। यहाँ पे बाकी नाम को भी हम इसी तरह से कुंदन से लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक नाम लिख कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख कर तैयार कर लिया है। इसे सूखने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा बट ये पूरी तरह से सूख जाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ख़ास बात यह कि हमने इसे लिखने के लिए यहाँ पे कुंदन यूज़ किया है, वो भी गोल्डन कुंदन, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मैच कर रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
तो अब हम इसे ज़रा सा फिनिशिंग दे देते हैं, ज़रा सा टचअप दे देते हैं। इसके लिए हम इसके साइड्स पे छोटे छोटे फूल बनाएंगे, नाम के दोनों साइड हम फूल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिच ग्लू लगा लिया है और इसके बाद पेपर पेन पे हल्का सा ग्लू लगाकर बीच में यहाँ पे कुंदन लगा रहा हूँ और इसके साइड में स्टोन्स बैठाऊँगा। इस तरह से साइड्स पे ग्लू लगा लूँगा इस तरह से, और अब इस तरह से स्टोन्स बैठाऊँगा। आप साइड्स पे कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और डिज़ाइन नहीं भी बनाएंगे तो ये बैंगल्स सिर्फ नाम लिखने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और इन फ्लावर्स को हमें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होगा पेपर पेन से। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बना लिया है एक साइड पे, इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी फ्लावर बनाना है। यहाँ पे मैंने नीचे में बनाया, इस साइड ऊपर में बनाएंगे, थोड़ा सा और मस्त लगेगा हमारा बैंगल। आप अपने अनुसार जैसे चाहे अपने बैंगल को सजा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैंगल बनकर तैयार है। अब हम इसे फाइनली लास्ट में थोड़ा थोड़ा नॉन स्टिच ग्लू लगा देंगे अंदर की तरफ में, ताकि ये जो धागे हैं वो अंदर की तरफ से चिपक जाएंगे आपस में। सो फाइनली सारे बैंगल्स बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टोन चेन की वजह से और ये कुंदन गोल्डन कुंदन की वजह से ये बैंगल्स कितने शाइन कर रहे हैं। ये बीच वाले नेम वाले बैंगल तो ग्लो कर ही रहे हैं, साथ ही ये स्टोन चेन वाले साइड वाले बैंगल भी कम ग्लो नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सेट बन जाने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, बीच में पार्टनर्स के नाम और साइड में कॉन्ट्रास्टिंग बैंगल्स। और इस तरह से रेशम के धागे से बांधकर इस ऑथेंटिक सेट को आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को। आप अगर उनकी शादी पे इस सेट को गिफ्ट करेंगे तो वो काफ़ी खुश होंगे। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़े से सामान के साथ और थोड़ी सी मेहनत के साथ हम पर्सनलाइज बैंगल सेट घर पर तैयार कर सकते हैं, और इसे आप जिस तरह से चाहें उस तरह से पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करें। Thanks for watching.